हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिंह बीटीआई में। तो दोस्तों, आज से हमने करीब 3-4 साल पहले इस बाइक में है जो स्मोक टेप कराई थी, तो 4 साल बाद हमें ये थोड़ी बोरिंग लगने लग गई, तो हमने इसको रिमूव करने का फ़ैसला लिया। तो दोस्तों, हम इसको रिमूव करके देखेंगे और देखेंगे कि 4 साल में इसने कोई पेंट डैमेज वगैरह या कोई कलर फेड कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। तो हम आज इसको रिमूव करेंगे दोस्तों और देखेंगे कि इसने टैंक बिल्कुल सही निकलता है या फिर कोई पेंट डैमेज वगैरह जो कोई स्टिकर ख़राब हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, इसे हम उखाड़ने के लिए हम जो है बालों में जो इस्तेमाल कर ड्रायर होती है जो इस्तेमाल की जाती है, उसकी मदद से हम इसे उखाड़ने हैं। और उतर तो आसानी से रही है दोस्तों, ये देखिए बहुत आसानी से उतर रही है, लेकिन हमें डर इस चीज़ का है कि कहीं इसने किसी तरह की कोई पेंट डैमेज वगैरह कोई ऐसा कोई काम ना कर दिया हो 3 सालों में। तो हम बहुत ही सावधानी से इसको रिमूव कर रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो में और इस वीडियो से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको बाइक में स्मोक टेप करानी चाहिए या नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमने पूरी जो टेप है उसको रिमूव कर दिया है। तो दोस्तों, इसने कोई ख़ास पेंट डैमेज तो नहीं किया, टैंक बिल्कुल सही निकला है, स्टिकर वगैरह कुछ भी नहीं उखड़े। लेकिन दोस्तों, इसमें जो ये ग्लू छोड़ जाती है टेप, ये थोड़ा आपको परेशान कर सकती है। और 3 साल बाद तो ये स्मोक टेप जो है ग्लू छोड़ेगी ही छोड़ेगी। हो सकता है आप 1-2 सालों में अगर इसको रिमूव करोगे तब ना छोड़े। तो मैं इसी वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ कि आपको इस ग्लू को कैसे रिमूव करना है, तो बने रहे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमने अच्छी तरह से टैंक को पूरी तरह से साफ़ कर लिया है और ग्लू को पूरी तरह से रिमूव कर दिया है। तो दोस्तों, ग्लू को हटाने का मैं आपको एक तरीका सोल्यूशन बताता हूँ कि आपने क्या करना है कि हल्का सा गर्म पानी लेना है जिसमें आपका हाथ ना जले, और कपड़े से उसको रगड़ना है, क्योंकि गर्म पानी से है जो ग्लू की जो चिपकने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।